गर्मियों में तरबूज खाना किसे पसंद नहीं होता। लाल लाल ठंडा तरबूज बॉडी को कूल रखता है, लेकिन तरबूज जितना अच्छा लगता है उतने ही खराब लगते हैं तरबूज के बीज। वाकई तरबूज के बीज उसके स्वाद का मजा किरकिरा कर देते हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि तरबूज के बीज बड़े कमाल की चीज है। बीज के कई फायदे होते हैं। आमतौर पर तरबूज खाने के बाद लोग बीज को फेंक देते हैं, पर ये काले बीज शरीर को कई बीमारियों से दूर रखते हैं। तरबूज के बीज के हैरान कर देने वाले फायदे हमें बताए हैं फिरोजाबाद के जिला अस्पताल आयुष विंग की डॉक्टर कविता महेश्वरी ने। डॉक्टर कविता ने इंदौर से आयुर्वेद में BAMS की डिग्री हासिल की है। इन्हें आयुर्वेद में 10 साल का एक्सपीरियंस है। डॉक्टर कविता महेश्वरी बताती हैं कि तरबूज के बीज में प्रोटीन, आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन B9 जैसे तत्व होते हैं। इतना ही नहीं, अगर तरबूज के बीज को रोजाना खाया जाए तो इससे शुगर लेवल को भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा तरबूज के बीज से क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, आइए सीधा डॉक्टर से जानते हैं। गर्मियाँ आती हैं, वैसे सारे लोग तरबूज को बड़े शौक से खाते हैं, क्योंकि इसमें पानी की बहुत मात्रा होती है। ये गर्मियों में लू से बचाता है, शरीर को हाइड्रेट करता है। लेकिन कई लोग कई बार खाते खाते ये सोचते हैं कि इसमें बीज नहीं होते तो कितना अच्छा होता, आसानी से इसको खा लेते। उन लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि इसके बीज बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इनको ऐसे ही हम लोग जो फेंक देते हैं, इनका अगर सेवन किया जाए तो काफ़ी सारी चीज़ों को हमको विटामिन मिनरल्स देते हैं। जैसे इसमें प्रोटीन, आयरन, जिंक, पोटेशियम, कैल्शियम मिनरल्स होते हैं और कई सारे विटामिन जैसे B9, B12 इसमें विटामिन पाए जाते हैं, और ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। और कई सारी बीमारियों में भी इसका रोल कहा गया है आयुर्वेद में। उससे संबंधित ऐसा होता है जैसे इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, तो वो हमें दिल की बीमारियों से बचाने में काम आते हैं। और अगर इनको रोज़ाना हम लोग अच्छे सही से इस्तेमाल करते हैं नियमित मात्रा में, तो ये हार्ट अटैक के खतरे को भी कम करता है। इसमें फाइबर की मात्रा अच्छी होती है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखता है, खाने को सही से पाचन शक्ति को बढ़ाता है। फाइबर होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन में, एसिडिटी में फ़ायदा देता है। ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। इसमें मौजूद जो जिंक होते हैं और मिनरल्स होते हैं शरीर में, स्पर्म काउंट को बढ़ाते हैं, तो ये पौष्टिक तत्व की तरह से भी इसका प्रयोग कराया जाता है। डॉक्टर कविता महेश्वरी बताती हैं कि तरबूज के बीज हेयर फॉल से छुटकारा और अच्छी स्किन के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, पर इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, आइए सीधे डॉक्टर से जानते हैं। बीजों को पीसकर जैसे चेहरे पे लगाते हैं या खाते हैं, तो ये बालों की हेल्थ के लिए झड़ने से रोकता है, स्किन के निखार लाता है, झुर्रियों को कम करता है, इसमें ये प्रयोग किया जाता है। और इसके बीजों को जैसे लिया जाए तो डायरेक्ट इसको ले सकते हैं, या बाज़ार में मिगी में के रूप में मिल जाता है, छिलका उतारी हुई जो मिगी होती है उसमें मिल जाता है। इनके बीजों को हम डायरेक्ट खा सकते हैं, या भून कर, भिगो कर, अंकुरित करके, या पीस कर चूर्ण बनाकर जैसे दूध में मिला ले, आइसक्रीम के साथ खा ले या दही के साथ खा ले, इनके बीजों का प्रयोग किया जाता है। इनकी ठंडी तासीर होने की वजह से ठंडाई में प्रयोग किया जाता है। काफ़ी फायदेमंद तत्व होते हैं इसमें, इसका प्रयोग करना चाहिए। अब अगर आप गर्मियों में तरबूज खाते हैं तो ध्यान रखें बीजों को फेंके नहीं। हेल्थ और स्किन बेनिफिट्स के लिए इसका इस्तेमाल जरूर करें। फिरोजाबाद से लोकल 18 के लिए धीर राजपूत की रिपोर्ट।